नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, आज है बुधवार। बुधवार मतलब कि आज का दिन बुध ग्रह के अंडर में है, बराबर। बहुत सामान्य सी बात है। आप सोचोगे मैडम इसमें बोलने वाली क्या बात थी। तो बुधवार सबसे ज्यादा किस चीज से जुड़ा है, ये भी जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है ना। बुद्धि से जुड़ा है, आपके जो आवक के स्तोत्र हैं उससे जुड़ा है। बुध यदि आपके अच्छे हैं, आपकी वाणी दोस्तों, जिसे हम कहते हैं, आप देखना एक हर आदमी की, हर व्यक्ति की जो स्पीच है ना, उसकी जो लैंग्वेज है, वो उसके व्यक्तित्व का आईना होती है। बहुत ही सीधा साधा आदमी कभी भी बहुत क्रूर लैंग्वेज नहीं बोल पाता, और बहुत ही बदमाश आदमी बहुत ही मीठी और सादी भाषा, मीठी तो आजकल जो दुष्ट लोग हैं मीठी भाषा बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन जिसे सीधे सादी सहज लैंग्वेज है वो नहीं बोल पाते हैं। आपकी जो लैंग्वेज है वो आपका, आपके व्यक्तित्व को काफी हद तक शो कर देती है। तो जो लोग देखना, जो धंधादारी व्यक्ति हैं, जिनके पास बिजनेसमैन वाला दिमाग है, जो सच में बिजनेसमैन है, जिनका अपना बिजनेस है, आप देखना ऐसे लोग कभी ज्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे। कोई व्यक्ति यदि किसी चीज को लेकर के उनके सामने भी खड़ा हो गया तो ओके, चलिए आप ठीक है, लेकिन इसकी ये कीमत है। कभी उनको ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा 19-20 कर लेने से भी अगर माल बिकता है, मेरा ग्राहक बंधा रह जाता है, तो 19-20 करके भी माल बेच देते हैं। मतलब उनका जो दिमाग है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने वाला होता है, और कंडीशन को तुरंत पहचान करके क्या निर्णय लेना चाहिए ऐसा होता है। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका दिमाग सच में बहुत ही लिक्विड होना चाहिए, बहुत ही डायनेमिक होना चाहिए, जड़तावाद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और यदि आपके बुध मजबूत है तो नेचुरली आपका दिमाग ऐसा ही होगा। आप बिल्कुल भी किसी भी चीज में जड़तावादी होना पसंद नहीं करेंगे। आप अपने आप को पहले नोटिस कर लेंगे, क्या सच में मेरा बुध ऐसा है, मैं सच में ऐसा हूं या ऐसी हूं। अगर आप ऐसे हैं, आपकी लैंग्वेज ऐसी है जो सामने वाले की समझ में आए, आप अपनी बात को आसानी से किसी को समझा दें। मैं ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ, ज्ञान अलग चीज है, वो गुरु से कनेक्टेड है, लेकिन जो धंधादारी दिमाग है, जो बुद्धि से सिर्फ जुड़ा हुआ है, ज्ञान से नहीं, वो बुद्धि जो अपनी बात को आसानी से, बड़ी होशियारी से सामने वाले के दिमाग में वो चीज डाल दे कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ, वही फैक्ट है, मेरी चीज सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसा दिमाग आपके अंदर तब आएगा जब आपके बुध मजबूत होंगे, आपको स्किन की तकलीफ नहीवत होगी या बहुत कम होगी, आपके घर का माहौल हरा भरा होगा यदि बुध आपके मजबूत है, आपके आवक के स्तोत्र एक से ज्यादा होंगे, और अगर एक से ज्यादा नहीं भी हुए तो भी आपकी आवक अच्छी खासी होगी, इनकम में आपके कोई तकलीफ नहीं होगी, सिवाय कि फिर आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। आवक तो आपकी है अच्छी खासी, लेकिन जो एम्बिशन होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं वो कभी भी मतलब शांत नहीं बैठते हैं। कोई बात नहीं है, महीने का 20 लाख आता है ना, मैं कोशिश करूंगा अगले महीने से 22 आए, ठीक है 22 आता है तो 25 लाने की कोशिश करूंगा, मतलब वो आगे 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 सोचते हैं। तो ये चीज अलग है, लेकिन ऐसे आपको देखा जाए तो आपकी इनकम ठीक ठीक रहेगी यदि बुध आपके अच्छे हैं, मजबूत है। एक बहुत ही साधारण सी, मैंने पहले वीडियो अपलोड की है, आप जरूर उस वीडियो को देखें, जिन लोगों ने भी नहीं देखी हो, सबसे पावरफुल स्टोन मनी अट्रैक्ट करने वाला, मैंने एक स्टोन बताया है उसके अंदर, ग्रीन कलर का है, पन्ने का उपरत्न है, पेरिडोन बिल्कुल ग्रीन है, छोटा सा है, उस नंग को भी मैंने बताया है, उस स्टोन को भी बताया है। तो बुध यदि आप चाहते हैं आपके मजबूत रहे तो आप पेरिडोन जरूर लाएं, लाकर के उसे धारण करें। दूसरा दोस्तों, आप अपने घर की उत्तर तरफ की दीवार पर ग्रीन कलर से या फिर
करी पत्ते के रस से या तीन प्रकार के हरे पत्ते जैसे बरगद, पीपल, बिली पत्र या फिर करी पत्ता, इनमें से कोई भी पत्ता ले लिया, जैसे सवन का पत्ता है, जो भी पेड़ पौधे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, उनके आपको पत्ते लेने हैं, जैसे आम का पत्ता, आप इनमें से कोई भी तीन प्रकार के पत्ते ले लें और उसे बराबर पीस लें, उसका रस निकाल लें और उस रस से आप अपने घर की उत्तर तरफ की वॉल में 555 आज के दिन लिख दें, क्योंकि आज तारीख 23 है, 23, 2+3, 5 का जो अंक है वो बुध का अंक है, बुध की जो दिशा है वो भी उत्तर दिशा है, तो आज के दिन दोस्तों दीवार पर 555 लिखने से आपके बुध मजबूत बनेंगे। यदि आपका घर ही उत्तर दिशा में हो तो बाहर की तरफ ही आप घर के बाहर भी आज के दिन 555 लिख सकते हैं। आज के दिन आप एक पेपर ले लें व्हाइट कलर का और उसके ऊपर आप 555 लिखें, उस पर राउंड करें और नीचे अपनी विश लिख करके उसे अपनी जेब में रखें। जितना ज्यादा हो सके आज के दिन इस नंबर को आप चेंज करें और जब जब भी बुधवार आता है आप इस नंबर को चेंज करें। 5 को आप 3 बार भी इसका यूज कर सकते हैं। यदि इस उपाय को आप करना चाहें तो 5 को 5 times भी आप लिख सकते हैं और आप उसको चेंज कर सकते हैं। 5 का अंक आज के लिए आपके लिए आशीर्वाद समान है। और जो लोग बुध प्रधान है, मतलब जिनकी मिथुन राशि है, वे लोग चाहे अंक कोई भी हो या फिर जिनका अंक मूलांक 5 है, जिनकी जन्म तारीख 5 है, 14 है, 23 है, ऐसे तमाम लोग बुध प्रधान होते हैं, उनके लिए ये मतलब अंक हमेशा के लिए लकी है। जिनके जिनका भी अंक मूलांक 5 का है वो लोग हमेशा अपने जेब में इस नंबर को लिख करके ही रखें, या वो जो अपने बुध को मजबूत करना चाहते हैं हमेशा इस अंक को लिख करके अपनी जेब में रखें, बुध मजबूत हो जाएंगे। करके देखें, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।